आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे नुस्खे होते हैं वो वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान के सेगमेंट में हम पपीते की बात करेंगे कि पपीता शरीर के लिए कितना लाभदायक है। पपीता शरीर के वजन को कम करता है क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल जैसे कई चिकित्सकीय गुण होते हैं। दोस्तों, अभी एक शोध हुआ है, उसके दौरान वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जो पुरुष ज्यादा से ज्यादा लाइकोपीन युक्त फल और सब्जियों का सेवन करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर की आशंका 82% कम हो जाती है। ग्रीन टी में भी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं और जब लाइकोपीन युक्त आहार को ग्रीन टी के साथ लिया जाए तो ये प्रभाव दोगुना हो जाता है। यदि आप ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं और इसके लिए दवाएं ले रहे हैं तो इस फल को खाने से बचना चाहिए क्योंकि ये ब्लड शुगर के स्तर को कम करता है, ये आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। चलिए अब हम विस्तार से इसके फायदे देख लेते हैं। पपीता खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और ये जोड़ों के दर्द में भी लाभदायक होता है। भोजन पचाने में सहायक पपीते में प्रोटीन, फाइबर और आयरन मौजूद होते हैं जो कमजोरी को भी दूर कर देते हैं। इसके रस में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है जो भोजन को पचाने में मददगार होता है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उन्हें पपीते का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। इसमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है। इससे शरीर में फॉलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B1 और राइबोफ्लेविन की कमी नहीं होती है। इसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इस कारण ये आँखों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके सेवन से आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। पके हुए पपीते का गूदा चेहरे पर लगाने से मुहासों और झाई से बचाव हो जाता है। इससे त्वचा का रूखापन दूर होता है और उसमें कसाव आने लगता है। पका पपीता एंटी रिंकल का काम करता है, साथ ही चेहरे के दाग धब्बों को भी कम कर देता है। शोधकर्ताओं ने ये पाया कि पपीते के पत्तों का रस डेंगू के इलाज में सहायक होता है। ये रस प्लेटलेट काउंट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, को बढ़ाने में मदद करता है। पपीते की पत्तियों में यौगिक पेपेन होता है जो शिशुओं में जन्म दोष पैदा कर सकते हैं, इसलिए गर्भावस्था से पहले और बाद में कुछ समय तक इस फल से बचने का सुझाव दिया जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।